आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वह है प्रियता अप्रियता का संतुलन। देखिए कि प्रियता और अप्रियता किसे कहते हैं। प्रियता का अर्थ होता है लाइक, अप्रियता का मतलब डिसलाइक। मैं इस भोजन को लाइक करता हूं, मैं इस भोजन को डिसलाइक करता हूं, मैं इस व्यक्ति को लाइक करता हूं, इस व्यक्ति को डिसलाइक करता हूं। ये प्रियता अप्रियता है और प्रियता अप्रियता कर्म बंधन का कारण है। जो साधक प्रियता अप्रियता से ऊपर उड़ जाता है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है कि लाभ हानि, आदर तिरस्कार, सर्दी गर्मी और अधिक मिलना कम मिलना, सुविधा ज़्यादा मिलनी सुविधा कम मिलना, इन सब परिस्थितियों के अंदर एक जैसा रहता है। उन दोनों परिस्थितियों को वो एक समान समझता है और दार्शनिक भाषा में बात करें एडजस्ट एवरीवेयर, वो हर परिस्थिति के अंदर एडजस्ट हो जाता है, दोनों को एक समान समझता है, सर्दी गर्मी को एक समान समझता है, लाभ हानि को एक समान समझता है और सत्कार तिरस्कार को एक समान समझता है। वह स्थित प्रज्ञ होता है और दूसरे शब्दों में वो प्रज्ञा चक्षु भी होता है, क्योंकि प्रियता अप्रियता से परे हो जाता है उसकी। देखिए हमारी दो आंखें हैं जो देख रही है, ये चरम आंखें, एक आंख प्रियता की है दूसरी आंख अप्रियता की है, तो उसमें लाइक डिसलाइक पैदा होता है। और जिसकी तीसरा नेत्र खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुलता है वो समता का नेत्र होता है, उसमें लाइक डिसलाइक से परे चला जाता है, व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता है, दोनों को एक सा समझता है, तो वह व्यक्ति प्रियता अप्रियता का संतुलन कर देता है। यही आज का हमारा विषय है कि देखिए प्रियता अप्रियता को जड़ से आप समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह अगर जड़ से समाप्त हो गई कार्मण शरीर जीरो हो गया, आपकी अज्ञानता समाप्त हो गई और आप मुक्ति की अवस्था में चले जाओगे, आप अशरीरी हो जाओगे। ये जो हमारा शरीर है उस शरीर का मुख्य कारण प्रियता अप्रियता है, तो ये हमारा लक्ष्य है कि प्रियता अप्रियता से परे संभाव में जाओ, तीसरे नेत्र को खोलो, प्रज्ञा चक्षु बनो, स्थित प्रज्ञ बनो और आप जो है वो प्रज्ञा के जगत में चले जाओ। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। दूसरे शब्दों में मुक्ति को प्राप्त करना और मोक्ष की नींव लगाना, ये हमारे इस मानव जीवन का लक्ष्य है। तो हमारी जो प्रियता प्रियता है वह जो है वो हमारा व्यवहार जगत है। दुनिया का जितना जगत चलता है उसमें प्रियता अप्रियता चलती है, और भीतरी जगत में हम जाते हैं तो जैसा मैंने बताया वो प्रज्ञा का जगत है, वो तीसरे नेत्र का जगत है, वहाँ पर शब्द नहीं होते। ये प्रियता अप्रियता जो पैदा होती है
वह शब्दों के द्वारा पैदा होती है और वह उसका आधार बुद्धि होती है। प्रियता अप्रियता बुद्धि सिखाती है और वह हमारे को भटकाती है। बुद्धि कहती है कि यह व्यक्ति अच्छा है, यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, और यहाँ रहना अच्छा है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, यानी सब तरीके से हमको भटकाती है, हमको लुभाती है। और उससे जो है हम जो है कोई भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए बुद्धि का उपयोग इतना ही करना चाहिए कि हमारा काम चल जाए। जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं या जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया है कि मेरे को तो शाश्वत सुख की नींव लगानी है, तो उसको बुद्धि के परे जाना पड़ेगा। बुद्धि के परे शब्द नहीं है। बेसिक डिफरेंस जो बुद्धि और प्रज्ञा में क्या है कि बुद्धि के परे शब्द नहीं है, वहां पर मात्र वाइब्रेशंस चलते हैं। वाइब्रेशंस क्या होती है कि समस्त पूरा ब्रह्मांड है वो वाइब्रेशन से बना हुआ है। जिन लोगों ने वाइब्रेशंस को यानी वेव्स के चैप्टर को पढ़ा है वो जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी साइनोसोडल वेव्स आदि ये सारी वेव्स से ये दुनिया चलती है। हमारे जो मोबाइल का स्क्रॉल चलता है वह भी एक वेव्स का उदाहरण है। मैं जो बोल रहा हूँ यह बात रिकॉर्ड हो रही है, ये ऑडियो भी बन रहा है, वीडियो भी बन रहा है, ये यूट्यूब पे जाएगा, ये टीवी पे जाएगा, ये रेडियो में जाएगा, तो ये सबके लिए श्रवण पूरे विश्व में श्रवण योग्य हो जाएगा। क्योंकि ये सारा पकड़ा कैसे गया है, ये पकड़ा गया है वाइब्रेशन से। जो हमारा सैटेलाइट है वो वाइब्रेशंस के सिद्धांत पर काम करता है। पहले जो है एक देश का दूसरे देशों से जो है वो जो एसटीडी देश में होता था और एसआईडी होता था वो बाहर के लिए होता था तो वो समुंदर में डाली हुई केबलों के जरिए हमारी बात जाती थी। वो कॉन्सेप्ट आजकल ख़त्म हो गया है, सब एरियल हो गया है। तो उस एरियल से जो है सारा जगत है सैटेलाइट पे आ गया है और सैटेलाइट के ऊपर हर कंट्री को अपना अपना एक कोड मिला हुआ है, एक जगह मिली हुई है कि अगर यहाँ से हम अगर कोई हमारे इंडिया में बात करना चाहेगा तो वो जो ही फोन लगाएगा वो सैटेलाइट में 91 कोड पे जाएगा और 91 कोड से जो वाइब्रेशन जो है वो रिफ्रैक्शन होकर के लौट करके मेरा मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आएगी। लेकिन 91 पहले सैटेलाइट पे जाएगा, यानी एक कॉमन जो है कंट्रोल रूम है विश्व का वो सैटेलाइट हो गया। ये सब वाइब्रेशन का जमाना है। तो हम जो भीतरी जगत में जाते हैं तो वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं अच्छे या बुरे। इसी कारण से जो जितने बड़े बड़े सिद्ध पुरुष या महान पुरुष हुए हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण और जो भगवान महावीर भगवान बुद्ध हुए हैं और जो है गुरु नानक हुए हैं महात्मा गांधी हुए हैं स्वामी विवेकानंद हुए हैं, तो कोई भी जो है भीतरी जगत के अंदर वो प्रज्ञा के जगत में गया वो वाइब्रेशंस के जगत में गया तो वहाँ पर उनको सत्य के दर्शन हुए, सबको एक सा दिखाई दिया। क्योंकि बाहरी जगत में देखते हैं तो प्रियता प्रियता आ जाती है, भीतरी जगत में प्रियता प्रियता नहीं है, वहाँ संभाव है, जहाँ पर जैसा है वैसा दिखाई देता। इसी कारण सारे जितने भी धर्म ग्रंथ है उन्होंने एक सी बात बताई कि प्राणी मात्र को दुख न देना वो सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और गॉड इज ट्रुथ ट्रुथ इज गॉड, ये यूनिवर्सल बातें सभी धर्म के जो 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 प्रोफेट हुए हैं जो संस्थापक हुए उन्होंने यही बात की। क्योंकि वह जो है बुद्धि के परे प्रज्ञा के जगत में गए, वो जो इंटेलेक्चुअल के जगत से
इंट्यूशनल जगत में गए। जो इंटेलेक्चुअल जगत है वो विद्वान बनाता है, विद्वान अच्छा प्रवचन दे सकता है और वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकता है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान बन सकता है, लेकिन उसका भावनात्मक विकास अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो तो रटन विद्या होती है। लेकिन जो वाइब्रेशन के जगत में जाता है, भीतरी जगत में जाता है, प्रज्ञा के जगत में जाता है, वह व्यक्ति दुराचारी नहीं हो सकता, वह व्यक्ति हमेशा चरित्रवान होगा। इसीलिए महापुरुष जो भीतरी जगत में जाते हैं उन्होंने चरित्र को सबसे ऊंचा स्थान दिया, और सभी महापुरुषों ने कहा कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। उन्होंने चरित्र को ऊंचा स्थान दिया। ये चरित्र कहाँ से आया? भीतरी जगत से आया। और चरित्र का स्खलन होता है वो प्रियता अप्रियता से होता, वो व्यवहार का जगत है। यानी हमारे सामने दो जगत बन गए, प्रियता अप्रियता, ये जगत हो गया व्यवहार जगत, और प्रियता अप्रियता का संतुलन कर दिया, यानी तीसरा नेत्र खुल गया, स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञा चक्षु बन गए, और हम जो है इंट्यूशनल जगत में चले गए। वहाँ संतुलन होते ही जो है हम पंडित बन गए। पंडित और विद्वान में यही अंतर है कि विद्वान तो धोखाधड़ी कर सकता है, हिंसा कर सकता है, झूठ बोल सकता है और सुसाइड कर सकता है, रेप कर सकता है, और करते हैं। बहुत पढ़े लिखे हो जिनको जनता भगवान कहती है वो ऐसे नीच कार्य करते हैं और फिर बाद में जेल में सजते, वो भगोड़े कहलाते हैं, पर कर रहे हैं वो, क्योंकि वह भीतरी जगत में नहीं गए। और भीतरी जगत में गए साईं बाबा गए, और जो दयानंद सरस्वती गए, विवेकानंद जी गए, राम कृष्ण महावीर गए, तो वो कभी दुराचारी नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर जो है उनको सच्चाई के सत्य के दर्शन होते हैं। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि प्रियता अप्रियता का संतुलन का अर्थ ये है कि आप व्यवहार जगत से आप निश्चय जगत के अंदर जाइए, दोनों का संतुलन करिए, यानी आप रहो भीतर जियो बाहर। आपको बाहर जीना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप मुक्ति की अवस्था को नहीं गए हो। आपको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की आवश्यकता होगी। आपका जीवन सापेक्ष जीवन है, उस सापेक्ष जीवन को जीने के लिए, व्यवहार जगत को जीने के लिए बाहरी जगत में आपको रहना पड़ेगा, प्रियता प्रियता के जगत में रहना पड़ेगा। ये संसार है वो प्रियता अप्रियता से ही खड़ा है, और प्रियता अप्रियता समाप्त हुई, यानी कि आपने जो है जो ही नो ऑनरशिप नो डूअरशिप और निमित्त निर्दोष कर्ता और शुद्ध आत्मा के कंसेप्ट के अंदर आप चले गए, क्यों ही आपका व्यवहार जगत का शुद्धिकरण चालू हो जाता है, आपकी अज्ञानता समाप्त होती है। ये अज्ञानता व्यवहार जगत के कारण है। व्यवहार जगत जड़ का जगत है, वो पर जगत है। देखिए, पर और स्व को अच्छी तरह से समझना चाहिए। पर में तो प्रियता अप्रियता है, और स्व के अंदर संभाव है। सो में समता का भाव है, सो में सत्य के दर्शन है, सो में अपना स्वयं का एहसास है, अपनी अनुभूति है, अपने स्वयं का परिचय है। ये बेसिक डिफरेंस है। यानी हमारे भीतर जो मूल स्वरूप के अंदर द्रव्य आत्मा है, वह एकदम शुद्ध है, वो मोक्ष गामी है, वो सिद्ध शिला में जाने लायक है, परंतु अज्ञानता के कारण वो बंधी हुई है। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। ये जो माई है ये पर है, ये माई है, ये जड़ है। यानी कि जितने भी जड़ पदार्थ है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, और जो है उसके बाद के अंदर मेरा
मेरा पति, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पिता हूँ, मैं किसी का दादा हूँ, ये जो मैं और मेरापन है ये सारा जड़ से जुड़ा हुआ है। और जड़ होने के कारण ये पर है, और पर होने के कारण इसके अंदर राग द्वेष पर प्रेरित जन्य है। तो हमें संतुलन बिठाना पड़ेगा कि इसको कम करने के लिए। देखिए, एकदम समाप्त तो नहीं हो सकता, समय लगेगा, क्योंकि ये सारा पर है, हमारा डिस्चार्ज है, उसको चार्ज भी हम नहीं किया है। ये चार्ज भीतरी जगत से हुआ है, और चार्ज बाहरी जगत नहीं कर सकता है। बाहरी जगत तो जड़ है, वह तो डिस्चार्ज हो सकता है। चार्जिंग करने के लिए भाव चाहिएंगे, और भाव है वो चेतना की सत्ता है, भाव है आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारे आत्मा के ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता, कुदरत कुदरत इतना कुदरत का कानून लागू नहीं होता। वो आत्मा अपने अपने कार्य में स्वतंत्र है, वो तो अपने मर्जी की मालिक है, वो तो बादशाह है, शहंशाह है। लेकिन जो हमारा जो ये राग द्वेष का जो जगत है, वो उसको जीना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुदरत के हाथ में। हम तो कुदरत के यूज़र और सफरर और कुदरत के गेस्ट है, और हमारा ये व्यवहार जगत है वो कठपुतली का जगत है। तो उस कठपुतली के जगत के लिए किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि रंगमंच ये जगत है, और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। यानी हमारा जो ये चेतन है, ये जो स्व वाला है, ये खेलता है, और इसको खिलाने वाला जो है कर्म है, खिलाने वाला अज्ञान है, कॉजल बॉडी लिंग शरीर है, वही इसको खिला रहा है, वही इसको जन्म धारण करवा रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये जो राग द्वेष का जगत, जिसके परे जाने की हम बात कहते हैं, ये व्यवहार का जगत। इसलिए कहा गया है कि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। यही तो हमारा कर्जा है, जो कि हमने भाव के द्वारा खड़ा किया है। इस कर्जे को जब तक हम चुकता नहीं करेंगे, तब तक हम साहूकार नहीं बन सकते। यानी कि इसको खड़े करने वाले भी हम ही हैं, इसको भुगतने वाले हम ही हैं। तो हम क्यों ना इसको ओरिजिन पे जाएं, इसको खड़ा ही नहीं करें, इसको राग द्वेष को या प्रियता प्रियतों को खड़ा नहीं करने का मतलब है नो कॉजेस। नो कॉजेस मीन्स नो कॉजल बॉडी, और सिर्फ आपका डिस्चार्ज जो बर्फ की शिला की तरह है, वो एक दो चार जन्मों के अंदर पिघल जाएगा, क्योंकि इनपुट नहीं आ रहा है। जो हमारे भाव कर्म है वो इनपुट है, वो साइकिल बनाते हैं, इनपुट से आउटपुट बनता है, और फिर जो है आउटपुट से इनपुट बनता है। ये साइकिल चलती रहती, साइकिल को हमें तोड़ना होगा। ये साइकिल कैसे टूटेगी कि जो हमारा उदय प्रारब्ध चल रहा है, जो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, इससे मुक्त रहो। मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब ये साइकिल टूटेगी। जो उदय प्रारब्ध भाव है, वो सारा जो होता है वो हमारे विचारों के माध्यम से होता है। इसीलिए उदय के जो विचार आवे उसको बाईपास करो, यानी उससे मुक्त रहो, उस पर कोई प्रतिक्रिया मत करो, उससे संबंध मत जोड़ो। क्योंकि जो ही हम उसके साथ में जुड़ गए, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो, और अगर दोनों मिल गए तो जो राग द्वेष जनित ये संसार है, उसका प्रभाव जो है हमारे पुरुष पे पड़ जाएगा, तो वो पड़ते ही जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, और अशुद्ध होते ही इसका मतलब ये है कि कॉजेज पड़ जाएंगे, और कॉजेज पड़ करके फिर हमको भुगतने होंगे, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। देखिए, ये कॉज कैसे बनते, मैं आपको बताता हूँ कि भुगतान की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक
निरंतर चलती है, एक क्षण भी बंद नहीं होती है। जब हम रात को नींद लेते हैं तो नींद में भी हमको स्वप्न आते हैं, क्योंकि हमारी ये जो हमारा जो शरीर है वो कर्म करना नहीं छोड़ सकता, चाहे स्वप्न हो चाहे निद्रा हो चाहे व्यक्ति जाग रहा हो, कर्म करता है। एक क्षण भी जीवन में ऐसा नहीं आता कि कर्म नहीं किया जाता है। तो जब ये चलता रहता है तो हमको करना क्या होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा उदय भाव चला कि हमने जो है किसी पूर्व जन्म में व्यक्ति ने हमारे को गालियां दी थी और जब उसका उदय आया तो उस व्यक्ति को जो हमारी ये जो कुदरत है उस व्यक्ति को हमारे सामने लाके खड़ा कर देगी और वो हमको गालियां अनशंट बोलना प्रारंभ कर देगा। ये तो उदय भाव है, लेकिन उसको आपने उदय रूप में कुदरती रचना रूप में देखा जाना और उसका जो व्यवहार किया तो आप देखोगे भाई तो मेरा किया, मेरे सामने आया। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि बिना किया हुआ किसी को पनिशमेंट मिल जाए, तो मेरा किया मुझे मिल रहा है। ये कुदरती रचना आप देखते हो तो जो है कोई आप अभिप्राय ओपिनियन नहीं देंगे, यानी उसके साथ नहीं जुड़ेंगे। तो उसकी जितनी गालियां उसने दी, जितना मिसबिहेव किया, जितना तिरस्कार किया, वो सारा नलीफाई हो जाएगा, वो वापस उसके पास चला जाए। क्योंकि आप जो प्रभावित नहीं हुए, आप जुड़े नहीं, मीन्स नो कॉज। और अगर वो गाली दे रहा है और आपने उसके साथ में एक की जगह दो गालियां ठोक दी, उसने दो दी, आपने चार ठोक दी, नेले पे देला हो गया, टिट फॉर टैट हो गया, ईंट का जवाब पत्थर से हो गया, तो जितना जितना क्रिएशन आपने भुगतने के साथ में जितना जितना नया पैदा किया, उतने बंच ऑफ द कॉजेज बनते गए और वह कॉजल बॉडी में इकट्ठा होता गया। तो जीवन पर्यंत हम जो उदय प्रारब्ध के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उदय और प्रारब्ध से प्रभावित होते हैं, हम उससे मुक्त नहीं रहते, विचारों को बाईपास नहीं करते हैं, तो उस जुड़ाव के कारण नए कॉजेज पड़ते हैं। तो नो जुड़ाव, नो न्यू कॉजेज, नो न्यू कॉजेज, नो न्यू कॉजल बॉडी, नो न्यू कॉजल बॉडी, यानी पुरानी बर्फ की शिला की तरह धीरे धीरे पिघल जाएगी और जब वो ज़ीरो हो जाएगी, कॉजल बॉडी, कर्म शरीर, अज्ञानता ज़ीरो हो जाएगी, तो वो मुक्ति की स्थिति आती। तो भाई और बहनों, ये आज का विषय इतना सुंदर है कि इसके ऊपर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, क्योंकि हमारा जो संतुलन है, हमारा जो ये सारा जीवन है, वह पूरा जीवन प्रियता अप्रियता पर आधारित होता है। संसार प्रियता अप्रियता के बिना संसार नहीं चल सकता है, क्योंकि संसार का चलाने के लिए जो है वो व्यक्ति को जो है वो सापेक्ष होना पड़ता है, और ये सापेक्षता जो है प्रियता अप्रियता पैदा करती है, और व्यक्ति प्रियता अप्रियता से ऊपर चला जाता है तो निरपेक्ष होता है, क्योंकि वह तो अपने स्वरूप की जानकारी अपने आप के अंदर विलीन हो जाता है। जीव है वो ब्रह्म में जैसे विलीन होता है, वैसी स्थिति बिना प्रतिक्रिया करने से आ जाती है, तो उस स्थिति में तो आपका जो है शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। लेकिन दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है, दुनिया का आधार ही अज्ञानता है, दुनिया का आधार ही राग द्वेष है, दुनिया का आधार ही प्रियता अप्रियता है, और इसके विपरीत जो है संभाव है वो आधार मुक्ति का है। तो अब आपको चयन करना है। देखिए, चयन करने में आप स्वतंत्र हो। कैसे स्वतंत्र हो,
मैं आपको जो एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अच्छी बरसात हो गई है, बरसात के पहले किसान ने जो है अपनी ज़मीन को समतल वगैरह जो कुछ भी तैयार करना, उर्वरा की दृष्टि से वो तैयार कर लिया साफ सफाई करके, और बारिश के बाद के अंदर अच्छी बारिश हुई तो वह अब सोचता है कि मैं इसको जो है खेत को अपने बीज डाल दूं, यानी खेत को खड़ दूं, जो हमारी देसी भाषा में कहा जाता है। तो राजस्थान का उदाहरण मैं लेता हूं, तो राजस्थान में पानी ज़्यादातर खारा होने के कारण लोग बरसात के ऊपर निर्भर है, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल के अंदर मुख्य रूप से फूड ग्रेन बाजरा पैदा होता है, जो कि बारह मास जो है यहाँ के लोग अपने फूड के रूप में उसके बहुत से प्रोडक्ट जैसे कि दूध के बनते हैं वो बना करके अपने परिवार के लिए उपयोग लेते हैं। तो वह जो है दोनों चीज़ें लेके जाता है कि मैं जो है बाजरा का उपयोग करूं या मिक्सर का करूं, लेकिन वह जब खेत में जाता है तो निर्णय नहीं कर पाता है और दोनों में से एक पोटली को बोले, यानी अब वो प्रतंत्र हो गया, वो जो है प्रियता अप्रियता के रेंज में चला गया। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर आप मुक्ति चाहते हो, शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हो, तो प्रियता अप्रियता से परे आगे बढ़ो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सबको प्रसन्नता मिले, सबको आनंद मिले, सबको मुक्ति मिले, सबका कल्याण हो। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है, एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है, उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग दर्शन शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों कॉलेजों विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार वर्कशॉप कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग दर्शन शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जनरल पत्रिकाओं वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।